लोकसभा चुनाव 2019 के बाद कई मंत्रियों की कुर्सियां लगी हैं दांव पर, जा सकती हैं इनकी कुर्सियां। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के सुनिए हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 के बाद इन कई मंत्रियों की सीट जा सकती है उनके हाथों से, क्या है पर मामला, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह के लेटेस्ट अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बनाया समय का शुरू करते हैं आज का विषय जो कि संबंधित है लोकसभा चुनाव के बाद जा सकती हैं इनकी कुर्सियों से, क्या पूरा मामला, आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम दिलाने के लिए कांग्रेस मंत्रियों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अपने क्षेत्रों में पार्टी को जीत दिलाने के लिए अब इन मंत्रियों का परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा कि वह लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री रहेंगे या फिर बेहतर परिणाम देने वाले विधायकों की किस्मत खुलेगी। कमलनाथ कैबिनेट में सभी मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, इसके पीछे का कारण जानकार बताते हैं कोई भी मंत्री यह बहाना न बना सके कि उसके काम में किसी ने रोड़ा रहा है। मंत्रियों की सूची में फिलहाल कई वरिष्ठ विधायक बने हुए हैं जो नाराज भी हुए हैं, लेकिन उनको फिलहाल मनाते हुए ये भरोसा दिलाया गया है कि लोकसभा चुनाव का इंतजार करो, जब मंत्रियों के पास लोकसभा चुनाव के लिए अपने क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने के लिए कम समय बचा है क्योंकि मार्च माह के पहले हफ्ता चुनाव आचार संहिता लग सकती है। मंत्रियों की साख दांव पर, पद पर लटकी तलवार। तो सत्ता में 15 साल वापसी के बाद कांग्रेस सरकार में आई है एवं नए नवेले मंत्री स्वागत और सत्कार में व्यस्त हैं, लेकिन अब उनकी साख लोकसभा चुनाव में दांव पर लगी है। अगर परिणाम पार्टी के अनुसार नहीं आए तो सभी मंत्रियों के पद पर तलवार लटक सकती है। मंत्रियों लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर काम करना होगा, इसके पीछे कारण यह है कि सभी मंत्रियों को साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जिस विभाग की भी समीक्षा होगी उसमें अगर कमी आती है तो उसके लिए अधिकारी नहीं बल्कि मंत्री जिम्मेदार होंगे। इसको लेकर पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को संकेत भी दे दिए हैं कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कमलनाथ की परीक्षा होना है और उसी परिणाम के आधार पर यह तय होगा कि कमलनाथ ने किस तरह से जनता के लिए काम किया है। कई विधायक कह रहे हैं मंत्री बनने का इंतजार। दोस्तों कमलनाथ कैबिनेट में इस बार किस तरह से मंत्रियों को पद बटाया गया है यह जग जाहिर है। कांग्रेस में कोटा सिस्टम चलता है, कोटा सिस्टम के चलते कई वरिष्ठ विधायकों को दरकिनार कर नए नवेले और दूसरी बार जीते विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस को वरिष्ठ विधायकों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा है। इस नाराजगी विधायकों को कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव तक इंतजार करें, अगर पार्टी को मनचाहे नतीजे नहीं मिले तो कई मंत्री पर गाज गिर सकती है। अगर यह रास्ता सिर्फ मंत्री बनने का ही है तो कांग्रेस के अंदर खाने की बातें माने तो मंत्रियों ने से साफ कह दिया गया है कि कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि उनके नेता के सहारे मंत्री की कुर्सी बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में परिणाम बेहतर जहां की जिम्मेदारी दी गई है वहां नहीं दिया तो फिर मंत्री की कुर्सी जा सकती है। इस बात पर प्रदेश के सभी छत्रप नेता एक राय है, उन्होंने अपने समर्थन मंत्रियों से भी साफ कह दिया है कि आमजन के लिए बेहतर काम करने के साथ ही लोकसभा में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में देने के लिए अभी से जुट जाएं, क्योंकि अगर परिणाम पक्ष में नहीं आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे और आपकी कुर्सी जा सकती है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में आपको बताया लोकसभा चुनाव के बाद जा सकती है इन मंत्रियों की कुर्सी। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। दर्शकों आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।